गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे। बच्चों आप वर्कशीट सॉल्व करोगे ना टीचर के साथ, आपको अच्छा लगता है ना बच्चों वर्कशीट सॉल्व करना, एक्टिविटीज करना, तो आज हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे बच्चों। ओके, आज कौन सी वर्कशीट सॉल्व करेंगे? आज हम इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे बच्चों। ओके, तो बताओ इंग्लिश का होमवर्क कौन सी कॉपी में करते हो आप? फोर लाइन्स की कॉपी में करते हो ना इंग्लिश का होमवर्क? वेरी गुड, तो चलो इंग्लिश की फोर लाइन्स की कॉपी निकालो, हम वहाँ पे वर्कशीट सॉल्व करेंगे बच्चों। ओके, तो देखो बच्चों हम फोर लाइन्स की कॉपी में ऐसे ही आपको सेटिंग करना है वर्कशीट, यहाँ पे राइटिंग करना है, यहाँ पे आज की डेट राइटिंग करना है बच्चों। ओके, जैसे टीचर ने सेटिंग किया है ना प्रॉपर, वैसे ही आपको सेटिंग्स करना है। ओके, तो देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जॉइन डॉट डॉट्स। ये देखो बच्चों आपको थ्री लाइन्स में डॉट्स दिए हैं, दिख रहे हैं ना आपको डॉट्स दिए हुए, तो आपको ये पेंसिल से जॉइन करना है। और टीचर ने रेड पेन से सेटिंग किया ना, तो वैसे ही आपको रेड पेन से ही सेटिंग करना है। ओके, देखो आपने स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन पढ़े हो ना, आपने सभी पढ़े हो बच्चों, स्टैंडिंग लाइन से सर्कल तक आपने पढ़े हो ना बच्चों, तो अभी आपको यहाँ पे वो ड्रॉ करना है। यहाँ पे टीचर ने देखो डॉट्स दिए हैं, यहाँ पे थ्री डॉट्स दिए ना, तो यहाँ पे आपको एंटी कर्व ड्रॉ करना है बच्चों। ओके, देखो टीचर आपको फर्स्ट एग्जाम्पल ड्रॉ करके दिखाएंगे। देखो फर्स्ट डॉट को सेकेंड डॉट से ज्वाइन करना है, सेकेंड डॉट को थर्ड डॉट से ज्वाइन करना है बच्चों, ऐसे आपको एंटी सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल टीचर ने करके दिखाया ना, वैसे ही आपको करना है। नेक्स्ट देखो बच्चों थ्री डॉट्स है ना, तो यहाँ पे आपको कर्व डाउनवर्ड ड्रॉ करना है। ओके, थ्री डॉट्स को ज्वाइन करके आपको कर्व डाउनवर्ड ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, स्लैंटिंग लाइन है ना बच्चों, तो आपको टू डॉट्स को ज्वाइन करना है और स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करना है। ओके, टीचर ने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल करके दिखाया, बाकी सेकेंड एग्जाम्पल्स आपको खुद से करना है बच्चों, आपको आता है ना, आपने पढ़े हो है ना बच्चों, तो आपको अच्छे से ये सब सॉल्व करना है बच्चों। ओके, तो चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो बच्चों आपको वन साइड में पिक्चर्स दिख रही है ना, और वन साइड में अल्फाबेट्स लिखे है ना, आपको कैपिटल अल्फाबेट्स आते हैं ना बच्चों, पढ़ना आता है ना आपको कैपिटल अल्फाबेट्स? वेरी गुड, तो आपको ये पिक्चर्स को अल्फाबेट से ज्वाइन करना है। ओके, तो देखो अभी टीचर आपको वन एग्जांपल करके दिखाएंगे। देखो बच्चों ये क्या है बताओ, ये आइसक्रीम है ना, आपकी फेवरेट है ना आइसक्रीम, आप आइसक्रीम खाते हो ना, तो आइसक्रीम कैसे आता है बच्चों? आई फॉर आइसक्रीम होता है ना, तो आपको सेकेंड साइड में आई ढूंढना है बच्चों। कैपिटल आई कहाँ पर लिखा है? ये है क्या बच्चों कैपिटल आई, आई फॉर आइसक्रीम है क्या? ये नहीं, ये है क्या बच्चों कैपिटल आई, आई फॉर आइसक्रीम? नहीं, कहाँ पर है? ये देखो ये है ना आई फॉर आइसक्रीम, तो आपको पिक्चर को मैच करना है अल्फाबेट से। ओके, तो चलो अभी मैच करेंगे पेंसिल से। देखो आई फॉर आइसक्रीम होता है ना, तो आइसक्रीम की पिक्चर को अल्फाबेट से मैच करना है। ओके, ऐसे ही आपको पूरे एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। टीचर ने आपको वन एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया ना, वैसे ही आपको पूरे एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं बच्चों। ओके, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द अल्फाबेट्स। देखो बच्चों आपको फिर से वन साइड में पिक्चर्स दिख रही है ना, और वन साइड में ब्लैंक बॉक्सेस है ना बच्चों, दिख रहा है ना आपको? ऐसे ही प्रॉपरली सेटिंग करना, अच्छे से देखो बच्चों, ऐसे ही आपको प्रॉपरली सेटिंग करना और रेड पेन से ही सेटिंग करना है। ओके, तो देखो क्या है ये पिक्चर, किसकी पिक्चर है? बॉल की पिक्चर है ना बच्चों, आप खेलते हो ना बॉल से, तो ये बॉल की पिक्चर है ना, तो ये बाजू बॉक्स में आपको ब्लैंक बॉक्स में क्या लिखना है? बी फॉर बॉल राइटिंग करना है। ओके, तो चलो राइटिंग करो बी फॉर बॉल, अभी टीचर आपको राइटिंग करके दिखाएंगे। देखो कैपिटल अल्फाबेट्स थ्री लाइन्स में राइटिंग करते हैं है ना, तो आपको प्रॉपरली बी फॉर बॉल थ्री लाइन्स में राइटिंग करना है। ओके, देखो टीचर ने वन एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया, आपको वैसे ही पूरे एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं बच्चों। वन साइड में पिक्चर दी है, पिक्चर आपको पहचानना है, और फिर ब्लैंक बॉक्स में आपको वही अल्फाबेट राइटिंग करना है बच्चों। ओके, टीचर ने वन एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया ना, वैसे ही आपको पूरे एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं बच्चों। ओके, देखो बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। देखो बच्चों वन साइड में आपको अल्फाबेट्स दिख रहे हैं ना कैपिटल अल्फाबेट्स, और सेकेंड साइड में भी आपको कैपिटल अल्फाबेट्स दिख रहे हैं ना बच्चों। तो देखो फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? जेड। जेड फॉर क्या होता है बच्चों? जेड फॉर जेब्रा होता है ना, तो आपको जेड फॉर जेब्रा, सेकेंड साइड में आपको जेड फॉर जेब्रा फाइंड आउट करना है और उसे मैच करना है बच्चों। ओके, ये है क्या जेड फॉर जेब्रा? नहीं। ये है क्या जेड फॉर जेब्रा? यस, तो आपको जेड फॉर जेब्रा को सेकेंड साइड में जो जेड फॉर जेब्रा है उससे आपको मैच करना है। तो चलो टीचर आपको वन एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो बच्चों जेड फॉर जेब्रा को आपको
सेकेंड लाइन में जो जेड फॉर जेब्रा है उससे मैच करना है। ओके देखो टीचर ने मैच करके दिखाया ना, वैसे ही आपको पूरे एग्जाम्पल्स सॉल्व करना है। टीचर ने जेड फॉर जेब्रा को मैच किया है, आपको सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल प्रॉपरली मैच करना है बच्चों, और ओके पूरी एक्टिविटी वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है। देखो बच्चों टीचर ने प्रॉपरली समझाया ना आपको कैसे करना है, तो आपको वैसे ही प्रॉपरली सॉल्व करना है बच्चों पूरी वर्कशीट। अच्छे से सेटिंग करनी है आपको रेड पेन से, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है बच्चों, अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। ओके जैसे टीचर ने सेटिंग किया है वैसे ही आपको प्रॉपरली सेटिंग करनी है बच्चों। ओके बच्चों थैंक यू बाय।